जेम्स एंडरसन ने 21 साल लंबे अपने करियर को फाइनली विराम देने की बात कही है। जेम्स एंडरसन ने सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए अपने रिटायरमेंट की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने अपने करियर के बारे में बताया, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में और इंग्लैंड क्रिकेट के लिए किस तरीके से उन्होंने खेला, इन सभी चीज़ों के बारे में जेम्स एंडरसन ने चर्चा करी। इस वीडियो में हम जानेंगे जेम्स एंडरसन ने कौन कौन से कारनामे अपने नाम किए हैं। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो जेम्स एंडरसन जो हैं वो जुलाई में, इसी साल जो जुलाई में होने वाली है उनकी टेस्ट सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ से, उसमें पहले मुकाबले के बाद रिटायर हो जाएंगे। जेम्स एंडरसन की बात करें तो 187 टेस्ट मैच जेम्स एंडरसन के द्वारा खेले गए हैं, जिसमें 700 विकेट जेम्स एंडरसन ने लिए हैं। वहीं लिमिटेड ओवर्स में तो जेम्स एंडरसन ने 2015 में ही आखिरी बार खेला था, लेकिन 194 वनडे में 259 विकेट जेम्स एंडरसन ने लिए हैं। वहीं 19 टी20 में 18 विकेट जेम्स एंडरसन ने लिए हैं। 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू किया था जेम्स एंडरसन ने, और तब से ही क्रिकेट को सर्व करते हुए दिखे हैं और इंग्लैंड के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से और अनुभवी तौर पर खेलते हुए नज़र आए हैं। चलिए देखते हैं जेम्स एंडरसन के नाम वो कौन कौन से कारनामे रहे हैं जो उनको बाकी गेंदबाजों से अलग बनाते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट बाय अ पेसर, यानी ये रिकॉर्ड जो है ये जेम्स एंडरसन के नाम अब हो चुका है। 700 विकेट जेम्स एंडरसन ने पूरे कर लिए हैं और 700 विकेट वो इंडिया के खिलाफ इसी साल जो श्रृंखला खेली गई थी उसके आखिरी टेस्ट में उन्होंने कुलदीप यादव को आउट करके 700 विकेट अपना पूरा किया था, और ये पेसर के द्वारा सबसे ज़्यादा विकेट है। इसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड का नंबर आता है, लेकिन जेम्स एंडरसन इस लिस्ट में टॉप पर हैं। सेकेंड मोस्ट टेस्ट कैप्स, सबसे नंबर वन पर तो द लेजेंड सचिन तेंदुलकर का नाम है 200 टेस्ट कैप के साथ, लेकिन दूसरे नंबर पर 187 कैप के साथ जेम्स एंडरसन का नाम आता है, जो कि 188 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट में तीसरे नंबर पर हैं जेम्स एंडरसन, 700 विकेट्स। इसमें नंबर वन पर मुरलीधरन है जिनके 800 विकेट्स हैं, और नंबर दो पर जो हैं वो शेन वॉन है 708 विकेट के साथ। वनडे मैचेस की बात की जाए तो 194 वनडे मैचेस खेले हैं इन्होंने। लास्ट वनडे मैच 2015 में खेला था। टी20 मैचेस की बात की जाए तो 19 टी20 मैचेस खेले हैं और लास्ट टी20 मैच 2009 में खेला था। वहीं अगर बात की जाए तो सेकंड मोस्ट विकेट्स इन सिंगल ग्राउंड, यानी एक ग्राउंड में दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं ये, जो कि लॉर्ड्स में इन्होंने ये कारनामा किया है और 119 विकेट्स इन्होंने लॉर्ड्स में लिए हैं। वहीं अगर देखा जाए तो थर्ड मोस्ट हैं अगर सारे फॉर्मेट को कंबाइन कर दिया जाए और सिंगल ग्राउंड में विकेट लेने की बात की जाए तो 141 विकेट्स हैं लॉर्ड्स के ही मैदान पर। इसके बाद अगर देखा जाए तो सेवेंथ मोस्ट 5 विकेट्स इन एन इनिंग, जो कि 32 विकेट्स इन्होंने लिए हैं। तो इस तरीके से कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो जेम्स एंडरसन के नाम फॉरएवर रहेंगे और जेम्स एंडरसन को इन रिकॉर्ड्स के बदौलत ही जाना जाएगा, और इन्हीं रिकॉर्ड्स के बदौलत वो एक महान और लेजेंडरी क्रिकेटर के तौर पर जाने जाएंगे। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।